अगर तीन बार कोई सरकार बनी है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, और आने वाले समय में मैं दावा करता हूं कि चौथी बार भी और पांचवी बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। क्योंकि लोगों ने देखा है 15 सालों में जो विकास के काम हुए, एक तरफ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब वो विदेश जाते हैं, लगभग अभी तक 54 देशों की उन्होंने यात्रा की है, 81 बार वो विदेश जा चुके हैं। पहले के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी अगर विदेश में जाते थे, अगर विदेश में जाते थे, वैसे तो बहुत कम जाते थे, तो वो कहीं जापान, चाइना और रूस और उनके राष्ट्रपति के पीछे सातवीं आठवीं लाइन में कहीं खड़े रहते। आज हमारे प्रधानमंत्री अगर चाइना, जापान, अमेरिका कहीं जाते तो राष्ट्रपति के साथ कंधे से कंधा लगाकर खड़े होते हैं, गले मिलते हैं। ये फर्क पहले में और अभी ना है। एक समय था जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू करी, प्रधानमंत्री सड़क योजना शुरू करी, और परमाणु का परीक्षण भी अगर किसी ने किया था तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था, और उसके बाद अगर सर्जिकल स्ट्राइक का भी किसी ने काम किया तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज उनके काम से आज भारत का गौरव बना है, भारत का मान सम्मान बढ़ाने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हजारों साल से ऋषि मुनियों के समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, वो दिन दूर नहीं है जब आने वाले समय में भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा, और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया में नंबर वन पर भारत पहुंचने का काम करेगा। आइए आप और हम लोग सब मिलकर इसी तरह से विकास के काम करते रहे। बहुत सारी ऐसी और योजनाएं हैं लेकिन समय इसकी इजाजत नहीं देता। मुझे इस खेल मैदान के लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। तरुणिया वालों को भी कहना चाहूंगा और आगरा के हमारे सभी जिले के आगे सभी लोगों से भी कहना चाहूंगा कि यहाँ एक ऐसी समिति बने जिसमें गैर राजनीतिक रूप से वो समिति बने, खेलकूद के मामले में हम जिले को नंबर वन पर पहुंचाने का काम करेंगे, ऐसी मैं आप सब लोगों से आशा करता हूँ। क्योंकि वास्तव में शिक्षा के साथ साथ आज खेल की आवश्यकता बहुत जरूरी है। यहाँ के नौजवानों को अगर खेलकूद में हम आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से यहाँ से कोई भी धोनी बनेगा, राहुल द्रविड़ बनेगा और हमारा आगरा जिले का नाम रोशन करेगा। आप सब लोग इतनी तादाद में आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।